नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज़, आप सबको अच्छा लगेगा। नमस्ते 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 नमस्ते। दोस्तों आज वीडियो कुछ अलग तरह से शुरुआत में जोगी, तो देखिए फूल बहुत अच्छे से फुलाया है। गुलाब का आज बड़ा बड़ा फूल फुलाया है, यही शुरुआत में जोड़ी थी। मिर्ची हमारा खूब फरा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा कपड़ा से देख कर धुल दी, नहाई, धान भी फैलाने गई थी, और आज कहीं जाने वाले हैं, घर से निकलने वाले हैं अभी। तो चलते हैं, आप सबको दिखाते हैं। और तो ढेर सारा गोभी देखिए, आज तो दाल बन चुका है, चावल बनने जा रहा है। तो अब तो ठंड का मौसम आने वाला है, तो सब्जियां खूब अच्छी अच्छी सब्जियां मिलेगा। गर्मी के मौसम में बहुत कम सब्जी मिलता था, महंगा भी मिलता था। तो चलते हैं सब्जी काटते हैं, आज गोभी का सब्जी बनाएंगे। थाली में तोड़ तोड़ के गोभी रख रहे हैं, चाय को गर्मा रहे हैं। चाय को बना कर रख दिए थे तो कोई पीने वाला नहीं था, तो चाय को गरम कर लेंगे। अब सब लोग पियेंगे, कोई पीने वाला नहीं रहता जब तक मैं नहीं पीने बैठती, क्योंकि मैं काम में लगी हूँ। तो धान को छत पे फैलाना पड़ता है, मैं गांव में चली जाती हूँ और नहीं ले जाते चंदन दिखाने सुबह का टाइम। यहाँ पे हम चाय को छान रहे हैं, गोभी को काट रही है। मैं सब्जी काट दी, आज गुंजन चाय सबको दे रही है उठा उठा के। तो आज नमकीन धान बेच कर लाए हैं, जो धान बिल्कुल रद्दी था, जमीन से सब निकाले थे, आप उसको दिखाई थी तखलत का, वही बेच कर नमकीन आया है। सब बोलोगे धान बेचना नहीं चाहिए था, लेकिन दोस्तों वो धान मिट्टी लगा था, सब मिट्टी में था, तो चावल में भी लगता हुआ था थोड़ा, तो इसीलिए बेच दी। पी लीजिए, हम सब चाय पी लेते हैं, लाल वाला चाय बनता है डेली, अच्छा भी लगता है। कहते हैं सेहत के लिए लाल वाला चाय अच्छा रहता है, कई लोग कहते हैं दूध वाला अच्छा रहता है, तो दोनों में पता नहीं कौन अच्छा रहता है। लेकिन हम अपनी यहाँ दादी नानी से सबसे सुने हैं कि काली चाय ही पीना चाहिए, अच्छा रहता है, लेकिन मजबूरी में पीते हैं, दूध मिलता तो दूध ही मिला कर पीते। तो दोस्तों सुबह सुबह बदल के दूसरा चूड़ी पहन ली, खेतों का काम की थी, सब टूट गया था इधर उधर, सब टूट के बिखर गया, फिर जो मिट्टी सब लगी हुई थी साफ कर दी, इसको पुराना वाला जो पहनी थी इसी में रख देते हैं, फिर काम लगेगा फिर पहन लेंगे। तो जिसमें जगह ही नहीं था उसमें रख रही थी। और ये दीपावली के लिए चूड़ी खरीद ली थी पहनने के लिए, दीदी चूड़ी दी थी, कंगन खरीद ली। देखिए हमारा कंगन कुछ इस तरह का है, 60 रुपए का कंगन ली थी, ये सब शीशा लगा है, एक घंटा पहनने वाला है, हमेशा पहनने वाला नहीं है, तो सब शीशा लगा है, धूप निकला हुआ है, इसीलिए चमक भी ज्यादा है। तो कंगन को रख देते हैं, अब रखने का तरीका ही नहीं पता किस तरह रखा गया था। तो यह चूड़ी नई वाली नहीं है दोस्तों, सब पूरे साल भर का चूड़ी, 2 साल का, जब से वीडियो बनाने लगी जो भी है सब संभाल के रखती जाती हूँ, पहनती रहती हूँ। कुछ चूड़ियाँ इसमें खराब भी हो गया है, तो जो खराब हो गया है उसको डेली पहन लेंगे, और जो खराब नहीं हुआ है उसको पहनेंगे साड़ी पे। तो यहाँ रख देते हैं बंद करके, तो ले चलते हैं घर में रखाते हैं, अभी सब्जी बनाना बाकी है। और यहाँ पर सब्जी बना रहे हैं, गोभी का आलू नहीं है, तो इस टाइम सब्जी बनाने का कोई नहीं था, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं सब्जी बनाएंगे, कोई कह रहा है बैंगन का भरता लगाएंगे, तो अभी चाशनी सब बैंगन का भरता लगाएंगे टमाटर का। तो बैंगन में तेल लगा दिए हैं, देखिए अलग तरह जल रहा है। तो यहाँ पर बंदर बैठा है, रोटी खा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बंदर रोटी खा रहा है।
पर बंदर भाग गया है, यहाँ पर बैठा था बंदर, यहाँ पर बैठा था वो चला गया। हम यहाँ पर भरता लगा रहे हैं, पढ़ के आ गए हैं। तो यहाँ पर भरता लगा रही हूँ शीतल, मैं दिखा रही हूँ वीडियो। यहाँ पर टमाटर आलू और बैंगन भून के पीसने जा रही हूँ, तो यहाँ पर पीस रही हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना। आज थोड़ा सा वीडियो है, तो आज मैं सुबह से ब्लॉगिंग की और दोपहर तक 10 बजे के बीच में वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। डेली एक दिन पहले वीडियो बना लेती थी, कल टाइम नहीं मिला। कल वाले कमेंट में आप सबका बहुत अच्छे से कमेंट आया, सबको तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह अपना साथ सपोर्ट बनाए रखना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते।